तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा अधिगम की एक पर विशेषता नहीं है? अब आपको ये बताना है कि विशेषता नहीं है, क्वेश्चन पे थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है ना। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, गेस पेपर है, आपको गेस करना है, तब तक आप गेस करिए। यह लक्ष्य निर्देशित है, यह व्यक्तिवादी है, यह स्थानांतरणी नहीं है। तो आपने गेस कर लिया होगा इसका आंसर। तो देखिए जो अधिगम होता है यह एक निरंतर चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह लक्ष्य निर्देशित होती है, यह व्यक्तिवादी भी होती है। तो बचता क्या है? यह स्थानांतरणीय नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा ये डी हो जाएगा, यानी अधिगम की एक विशेषता में ये नहीं आती है, जो बाकी ऊपर तीन दी हुई अधिगम की विशेषता में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि शिक्षण अधिगम के शिक्षक केंद्रित उपागम की एकमात्र उपयोगिता है। अब आपको इसका आंसर देना है कि जो शिक्षण अधिगम के जो शिक्षक केंद्रित उपागम है उसकी एकमात्र उपयोगिता क्या है। विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ाने में, विद्यार्थियों के संप्राप्ति स्तर को बढ़ाने में, नए ज्ञान सूचना तथा अमूर्त अवधारणाओं को विद्यार्थियों तक स्थानांतरित करने में, और विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करने में। अब शिक्षक केंद्रित उपागम की क्या उपयोगिता है? आप शिक्षण अधिगम छोड़ दीजिए, आप मेन क्वेश्चन देख लीजिए। मेन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शिक्षण केंद्रित उपागम की क्या एकमात्र उपयोगिता है, आप इतना याद रखिए। तो देखिए विद्यार्थियों की रचनात्मकता को उभारने में है, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर उपयुक्त सभी या ए भी दिया होता तो ये हो सकता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको वन ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये भी नहीं है, विद्यार्थियों के संप्राप्ति स्तर को बढ़ाने में ये भी नहीं है। आपने आंसर तो देख लिया होगा। देखिए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने तो प्रोत्साहित करने में ये भी नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी नए ज्ञान सूचना तथा अमूर्त अवधारणाओं को विद्यार्थियों तक स्थानांतरित करने में शिक्षक केंद्रित उपागम की उपयोगिता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण की समस्या समाधान विधि है, जो शिक्षण की समस्या समाधान विधि है वो कौन सी है? समस्या समाधान द्वारा विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करना, विद्यार्थियों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना, एक गतिविधि को करने में विद्यार्थियों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों को कक्षा में एक दूसरे की सहायता करने हेतु प्रेरित करना। आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कौन सा है, तो चलिए मैं बता देती हूँ, जो इसका आंसर होगा वो होगा ए। ए राइट आंसर होगा, समस्या समाधान द्वारा विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करना ही मेन ये विधि होती है, यानी विद्यार्थियों को जो भी सीखने में प्रॉब्लम होती है, वो जो समस्या होती है उसका समाधान, उसका सोल्यूशन इस विधि के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या कक्षा कक्ष वातावरण का मूल तत्व नहीं है? अब कक्षा कक्ष वातावरण में क्या चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ यहाँ पे नहीं है मूल तत्व। शिक्षक, विद्यार्थी, भौतिक अवस्थाएं या अभिभावक? तो बहुत इजी से इसका आंसर है, कक्षा कक्ष वातावरण में जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो अभिभावक, क्योंकि शिक्षक भी होंगे कक्षा कक्ष में, विद्यार्थी भी होंगे। भौतिक अवस्थाएं यानी कि खुली हुई हवा, फर्नीचर, चेयर, फैन, सब चीज़ें, लाइट, सब चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अभिभावक जो होंगे ये मूल तत्व के कक्षा कक्ष वातावरण में मूल तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। स्वनिर्मित TLM छापे गए TLM से अधिक लाभदायक है क्योंकि? अब आपको रीजन बताना है कि जो स्वयं से बनाया गया TLM है वो जो छापे गए, यानी कि जो आप मार्केट से बनाए गए TLM लेते हैं उससे अधिक लाभदायक है स्वयं का बनाया हुआ TLM क्यों? यह कम मूल्य का होता है, यह सरलता से उपलब्ध है, या फिर यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करने में सहायक है, और या फिर डी, विद्यार्थी तथा शिक्षक इसका प्रयोग करने में कठिनाई का अनुभव नहीं करते। अब आपको बताना है कि होममेड बनाया गया TLM जो आप घर पे बनाते हैं, जो मार्केट में मिलता है, उससे अधिक अच्छा होता है, यानी आपके द्वारा घर से या फिर टीचर के द्वारा बनाया गया TLM। आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। और इसका राइट आंसर होगा आपका सी, ये विद्यार्थियों में कौशल विकसित करने में सहायक है, ठीक है। इसका क्या राइट आंसर होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकक्षा शिक्षण एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक शिक्षक एक समय में कई कक्षाओं को पढ़ाता है, बी, दो शिक्षक एक समय में कई कक्षाओं को पढ़ाते हैं, सी, एक शिक्षक एक समय में एक कक्षा को पढ़ाता है, और डी, यह शिक्षक एक समय में उच्च औसत तथा निम्न स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाता है। बहुत ईजी है, बहुकक्षा शिक्षण, ठीक है, नाम से जैसे ही पता है। तो इसका आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। बहुकक्षा शिक्षण क्या है? तो वह कक्षा शिक्षण जिसमें एक शिक्षक एक समय में
उच्च औसत तथा निम्न स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, यानी एक ही कक्षा में बहुत तरह के विद्यार्थी रहते हैं, जो तेज पढ़ने वाले, कम पढ़ने वाले, तो उन सभी को एक साथ पढ़ाना ही बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है और आपसे शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगर आप इतना भी लिख देंगे तो आप फुल मार्क्स लेके आ जाएंगे, है ना। कि जो शिक्षक बहुकक्षा शिक्षण में जो शिक्षक एक समय में उच्च औसत तथा निम्न स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वही बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामयिकित पाठ्य पुस्तकें मुख्य रूप से बल देती हैं। सामयिकित पाठ्य पुस्तकें होती हैं, मुख्य रूप से बल किस चीज़ों पर देती हैं? ए, शिक्षण से अधिक अधिगम पर, बी, अधिगम से अधिक शिक्षण पर, सी, विद्यार्थियों को दंड की अपेक्षा पुरस्कृत करना, और डी, विद्यार्थियों पर बोझ कम करना। तो देखिए, समेकित पाठ्य पुस्तकें होती हैं, मुख्य रूप से ज़्यादा बल देती हैं ए पर, यानी शिक्षण से अधिक अधिगम पर, यानी पढ़ने से अधिक सीखने पर ज़्यादा बल देती हैं समेकित पाठ्य पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम तरीका है? अब आपको ये बताना है कि अगर कक्षा में अनुशासन बना रहे तो इसके लिए क्या करना होगा, कौन सा अच्छा तरीका है। विद्यार्थियों में से एक बलशाली मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाए गए पाठ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां देना, और शरारती बच्चों को कक्षा से अलग करना, समस्याजनक बच्चों के व्यवहार में सुधार हेतु अधिक समय व्यतीत करना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका उत्तम होता है? तो देखिए, इसका आंसर बी होगा, कक्षा में पढ़ाए गए पाठ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां देना। अगर कोई लेसन पढ़ाया जा रहा है और उसमें बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है, तो छात्र का जो माइंड होता है डाइवर्ट होता है, बातों से हट जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में बच्चों के अपवंचित होने का मुख्य कारण है। अब आपको ये बताना है कि विद्यालय में बच्चों के अपवंचित होने का मुख्य कारण क्या है। तो यानी स्कूल ना पहुंच पाने का, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, या उनकी सांस्कृतिक स्थिति इसके बीच में आती है, या उनका सामाजिक परिवेश जो होता है इस बीच में आता है, या फिर उनके घर के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ तथा विद्यालय वातावरण के बीच मेल ना होना। यदि डी की जगह में उपयुक्त सभी होता तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन जो दे दिया है ये आपका राइट होगा। यानी इसमें ए बी सी सब कुछ ला दिया कि उनके घर के जो सामाजिक हैं, सांस्कृतिक संदर्भ हैं, है ना, और विद्यालय वातावरण के बीच मेल का ना होना, तो इसमें आर्थिक स्थिति भी हो जाती है। तो जो डी है इसका राइट आंसर होगा। यदि आपके पास ऊपर के तीन ऑप्शन दिए हों और नीचे यदि आ जाता है उपयुक्त सभी, तो फिर आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, और इसमें आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विद्यालय में बच्चों के वंचित होने के मुख्य कारण लिखिए, तो आपको यही कारण लिखने होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति की, उनकी सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति जो होते हैं, यही आपको लिख देना है। निम्नलिखित में से कौन सा ICT उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? अब आपको बताना है ICT उपकरण के अंतर्गत क्या नहीं आता है। इन्फॉर्मेटिव उपकरण, बी, सेंसुएटिव उपकरण, सी, ऑपरेशन उपकरण, और डी, कम्युनिकेटिव उपकरण। सीधी सी बात है, ICT यानी आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है एक ऐसा ऑप्शन है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है, और वो है ऑपरेशन उपकरण। इसकी जरूरत है स्टडी में तो है ही नहीं है। तो इन्फॉर्मेटिव, सेंसुएटिव एंड कम्युनिकेटिव उपकरण की जरूरत पड़ती है ICT में, ना कि ऑपरेशन उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती। तो ICT के उपकरण के कुछ नाम लिखिए यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, तो फिर आपको यही तीन वहां पे उपकरण लिख देने हैं। कक्षा कक्ष प्रक्रिया का मुख्य तत्व है। अब मुख्य तत्व क्या है? अपेक्षित अधिगम प्रतिफल, बी, कक्षा शिक्षण, सी, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन, और डी, उपरोक्त सभी। कक्षा कक्ष प्रक्रिया, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल बिल्कुल सही आंसर होगा, आंसर तो आपने वैसे टिक कर ही लिया होगा, और कक्षा शिक्षण ये भी जरूरी है, और विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन भी जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण है तो आप निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे? यदि गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए पूछा जाए कि आप कौन सा उपकरण का प्रयोग करेंगे गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए, संप्राप्ति परीक्षण, फोकस समूह चर्चा, प्रश्नावली और सर्वेक्षण चेक लिस्ट। तो इसमें देखिए, संप्राप्ति परीक्षण, फोकस समूह चर्चा, सर्वेक्षण चेक लिस्ट जो होती है इसके अंतर्गत नहीं आती है। गुणात्मक आंकड़ों के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये गुणात्मक आंकड़े और मात्रात्मक आंकड़े मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगेन कह रही हूँ, देख लीजिएगा। दोनों में अंतर भी, डिफरेंस भी दिया है कि दोनों में क्या अंतर है, तो हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो इसमें प्रश्नावली का यूज किया जाता है, तो प्लीज वीडियो अपलोड है, आप उसे देख लीजिएगा।
गुणात्मक के साथ एक मात्रात्मक आंकड़ा भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किस में आकलन अधिगम के रूप में संभव है। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें आकलन अधिगम के रूप में संभव है। यूनिट टेस्ट, समूह टेस्ट, सामूहिक अधिगम या फिर सहभागी अधिगम, ये इनमें से आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आकलन जो होता है अधिगम के रूप में किया जा सकता है वो आपका यूनिट टेस्ट कहलाता है, ठीक है ना, इकाई परीक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मैंने इसका तो अलग से वीडियो नहीं बनाया है, मैंने किसी चैप्टर में, हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बताया है, लेकिन सवाल आपके जवाब हमारे में इसका मैंने जिक्र किया है और इकाई परीक्षण क्या होता है हमने आपको बताया है। यदि आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो थंबनेल में ही दिया हुआ है इकाई परीक्षण, तो आप वहां से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। प्रत्युत्तरों के आधार पर कितने प्रकार के टेस्ट आइटम्स विकसित किए जा सकते हैं, ठीक है ना, जो प्रत्युत्तर होते हैं उनके आधार पर कितने प्रकार के टेस्ट आइटम्स विकसित किए जा सकते हैं। अब आपको इसका आंसर देना है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 5 टाइप के प्रत्युत्तर टेस्ट आइटम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखना क्या है। अवलोकन से सीखना यानी अनुभव से ज्ञान हासिल करना, अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम से व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आदतें, ज्ञान, रवैया आदि हासिल करता है जो जीवन के लिए जरूरी है। यदि आपने, मैंने बहुत बार अधिगम की डिफिनेशन दी है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है, यदि आपने पढ़ा होगा तो आंसर आपने सोच कर लिया होगा क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि अधिगम यानी सीखना होता है और इससे आपको ज्ञान तो हासिल ही होता है। अधिगम से व्यवहार में भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आपके व्यवहार में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, और अधिगम से व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आदतें, ज्ञान, रवैये आदि हासिल करता है जो जीवन के लिए जरूरी है। ये डिफिनेशन है आपकी अधिगम की, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, कक्षा का महत्वपूर्ण पहलू क्या नहीं है, विद्यार्थी, शिक्षक, विषय सामग्री या फिर पेंसिल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने में आपको फेर लग सकता है, लेकिन कक्षा का महत्वपूर्ण पहलू क्या नहीं है। देखिए कक्षा में विद्यार्थी का होना भी जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थी होंगे तभी कक्षा होगी, शिक्षक होंगे तभी कक्षा होगी, विषय सामग्री का भी होना, विषय सामग्री यानी आपकी बुक वगैरह जो हो गई, ये सब चीज़ें होना भी जरूरी है। लेकिन पेंसिल जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कक्षा के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं है तब भी उसके बगैर भी पढ़ाया जा सकता है, लेक्चर दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं, बच्चों की शिक्षा को क्या प्रभावित करते हैं, विद्यालय, घर, साथी और सामाजिक परिवेश, उपयुक्त सभी। तो आंसर आपने इसका सेलेक्ट ही कर लिया होगा। देखिए बच्चों की शिक्षा को विद्यालय भी प्रभावित करता है, घर भी प्रभावित करता है, साथी और सामाजिक परिवेश, यानी इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सभी से सब कुछ सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रभावित करने की बात है, तो विद्यालय भी प्रभावित करता है, घर भी, साथी और सामाजिक परिवेश भी, क्योंकि सभी जगह से तो अच्छा सीखता है या बुरा सीखता है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए आपको निम्नलिखित स्थिति में से किसके शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, यानी विद्यार्थियों की अधिगम के लिए यानी कि सीखने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए सीखने को निम्नलिखित स्थिति में से किस में सहायक जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो स्थान और समय का शिक्षण समस्याएँ, कहानी लिखने पर समूह कर, ध्यान व योग अधिगम या फिर मौसम परिवर्तन का अधिगम। तो शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं है किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान एवं योग अधिगम की जरूरत नहीं होती है किस चीज़ के लिए, शिक्षण सहायक सामग्री की। यहाँ पे स्थान और समय पर शिक्षण समस्याएं सही होना चाहिए, कहानी लिखने पर समूह कार्य भी होता है, मौसम परिवर्तन पर भी अधिगम होता है, लेकिन ध्यान या योग अधिगम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से पाठ की रूपरेखा बनाने में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, या पाठ की रूपरेखा बना रहे हैं तो किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। शैक्षिक सत्र के दौरान विद्यालय में कार्य दिवसों की संख्या की, या फिर वार्षिक परीक्षा के संचालन में व्यय किए गए दिनों की संख्या, विद्यालय अवकाश के दिनों की संख्या, एक विशेष को पढ़ाने हेतु उपलब्ध कक्षाओं की संख्या, किस चीज़ की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी यदि आप पाठ की रूपरेखा बना रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा, वार्षिक परीक्षा के संचालन में व्यय किए गए दिनों की संख्या। ओके, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि 2 दिनों से अलीगढ़ में इंटरनेट सेवाएं बंद थी, इंटरनेट सर्विस बंद थी, जिसकी वजह से कोई भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड नहीं कर पाए हैं। चलिए फिर इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके सेकंड पार्ट यानी इसे पार्ट 2 के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।